मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर के लिए तैयार कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक फौरन पहुँचती रहें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और मेरी सच्ची दास्तान सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आएँ शुरू करते हैं आज की एपिसोड। अगर हालात मवाफिक ना हुए तो रात इस जंगल में काटेंगे, नहीं तो रातों रात दो टीले पार करके जम्मू कठुआ रोड पर आ जाएंगे और वहाँ से अमृतसर जाने की कोशिश करेंगे ताकि जिस डोगरा सिपाही की वहाँ पोस्टिंग हुई है उसको भी उसके इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाए और इसके बाद जलंधर में तैनात डोगरे तुलसी को ठिकाने लगाया जाए। मैंने कहा, क्यों ना हम आज की रात गुरुद्वारे में छुप कर गुजार दें। जहांगीर बोला, मामला फायरिंग तक नहीं रहेगा, ये भारतीय फ़ौज के एक कमांडो का कत्ल है। इसकी हिफाजत के बारे में अतमीनान हासिल करने सूबेदार उसके घर आया था। मुहाफ़जों ने यहाँ पर हमारी तलाश में आई हुई डोगरा कमांडो पार्टी को ज़रूर खबरदार कर दिया होगा और ये फ़ौजी गाँव के आसपास के सारे मकानों, जंगलों, पहाड़ों और गारों को खंगाल डालेंगे। वो गुरुद्वारे की भी तलाशी ले सकते हैं। सरदार जी ने खुद कहा था कि हम फ़ौजियों की तलाशी लेने से नहीं रोक सकते, हम जम्मू कठुआ रोड वाले पहाड़ी जंगल की तरफ चलते हैं। और हमने भागते हुए नदी पार कर ली। हमारा रुख अंधेरे में बड़े बड़े धब्बों की तरह नज़र आने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ था। अचानक फायरिंग के धमाकों से रात की सुनसान फिजा गूंज उठी। ये मशीन गन के फायरिंग के धमाके थे। जहांगीर वहीं रुक कर बैठ गया और बोला, आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। भारतीय सूबेदार को रूपलाल के कत्ल की खबर मिल गई है और उसके फ़ौजी हमारी तलाश में चारों तरफ फैल गए होंगे। बेहतर यही है कि हम गुरुद्वारे की तरफ मार्च करते हैं। सरदार जी हमें किसी न किसी जगह ज़रूर छुपा लेंगे, दूसरा कोई महफूज रास्ता नहीं है। इस तरह पहाड़ियों में चलते रहे तो ज़रूर पकड़े जाएंगे। भारतीय फ़ौज ने सारे इलाके को घेरे में ले लिया है और हमने गुरुद्वारे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ब्रेन गनों और मशीन गनों की फायरिंग के धमाके बराबर हो रहे थे। कभी ये आवाज़ें दूर हो जाती और कभी बिल्कुल करीब से फायरिंग के धमाके सुनाई देते। इसके साथ ही फ़ौजी गाड़ी की आवाज़ भी आने लगी। गुरुद्वारा वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम पिछले दरवाजे से गुरुद्वारे में दाखिल हुए तो सेवादार मंगल सिंह एक तरफ से निकल कर सामने आ गया। क्या हुआ है, ये फायरिंग कहाँ से हो रही है? जहांगीर ने कहा, हम घात लगाने के वास्ते कोई जगह देख रहे थे कि फ़ौज की एक गश्ती पार्टी से आमना सामना हो गया, उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। सेवादार मंगल सिंह के कान फायरिंग की आवाज़ों पर लगे हुए थे। वो कहने लगा, ठहरो, कोठड़ी में ना जाना, तुम्हारी वहाँ कोई चीज़ तो नहीं है? मैंने कहा, एक थैला है, दौड़कर उसे उठा लाओ। कोठड़ी सामने ही थी, मैं भाग कर गया और थैला उठाकर ले आया। इसमें हमारे कुछ कपड़े थे। मंगल सिंह सेवदार हमें गुरुद्वारे के इमारत के पीछे एक तहखाने में ले गया जिसके मुंह के आगे बांस की पुरानी चारपाइयाँ खड़ी करके उसे ढांपा हुआ था। वो कहने लगा, यहाँ बैठे रहो, ना आवाज़ निकालना और ना बाहर आना, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। सेवादार मंगल सिंह हमें तहखाने में छोड़कर चला गया। जाते हुए वो तहखाने में उतरने वाली सीढ़ियों के आगे चारपाइयाँ पहले की तरह खड़ी कर गया। रात के अंधेरे में किसी को पता नहीं चल सकता था कि इन चारपाइयों के पीछे सीढ़ियाँ हैं जो तहखाने को जाती हैं। तहखाने की कोठरी में अंधेरा था, ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी। हम दरी पर बैठ गए। फायरिंग की आवाज़ रुक गई थी। मैंने जहांगीर से कहा, मालूम होता है कि डोगरे किसी दूसरी तरफ निकल गए हैं। कमांडो जहांगीर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि मौका पाकर दिन से निकलने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर रुके रहना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने पूछा, हम यहाँ से किस तरफ जाएंगे? जहांगीर ने कहा, जम्मू कठुआ रोड की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, वहाँ किसी जगह से जलंधर अमृतसर जाने वाली किसी बस में सवार हो जाएंगे। एक बार जम्मू कठुआ के इलाके से निकल गए तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। मैं मज़ीद कुछ पूछने ही वाला था कि जहांगीर ने आहिस्ता से कहा, खामोश रहो, मुझे फ़ौजी ट्रक की आवाज़ आ रही है। हमने कान लगा दिए। बाहर रात के सन्नाटे में किसी ट्रक की आवाज़ आने लगी थी जो करीब होती जा रही थी। कमांडो जहांगीर फ़ौजी गाड़ियों के इंजन की आवाज़ पहचान लेता था। वो कहने लगा, ये फ़ौजी गाड़ी ही है, लगता है डोगरा फ़ौजी हमारी तलाश में इधर आ रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है, यहाँ से भाग चलें? क्योंकि मंगल सिंह फ़ौजियों की तलाशी लेने से नहीं रोक सकेगा,
नहीं, जहांगीर ने कहा, इस वक्त फरार हुए तो पकड़े जाएंगे। डोगरा सिपाही गुरुद्वारे के आसपास मौजूद होंगे। फौजी ट्रक की आवाज़ गुरुद्वारे के बहुत करीब आ गई थी। गुरुद्वारा ज़्यादा बड़ा नहीं था जहाँ हम छुपे हुए थे। गुरुद्वारे का दरवाज़ा वहाँ से करीब ही था। फौजी ट्रक के रुकते ही फौजियों के भारी बूटों और उनकी आपस में एक दूसरे को काशन देने की आवाज़ें आईं। हम तय खाने में दुबक कर बैठ गए। पिस्तौल हमने अपने हाथों में ले लिए थे कि मुकाबला करेंगे और मुकाबला करते हुए जान देंगे। एक फौजी जो उस पार्टी का कमांडर लगता था उसने बुलंद आवाज से आर्डर दिया, गुरुद्वारे को घेरे में ले लो। इसके साथ ही फौजी बूटों के दौड़ने भागने की आवाज़ें आईं। मंगल सिंह सेवादार जाग रहा था। उसे सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास था। अब उसकी आवाज़ आई, वाह गुरु का खालसा साहब जी, क्या बात है। डोगरा फौजी अफसर की आवाज़ आई, पाकिस्तान के अगरवादी यानी दहशतगर्द हमारे एक फौजी जवान को कत्ल करके इस तरफ आए हैं, हमें गुरुद्वारे की तलाशी लेनी है। मंगल सिंह जानता था कि वो फौज को तलाशी लेने से नहीं रोक सकता। उसने कहा, जी आया नु जनाब, तलाशी ले लें, मगर मैंने यहाँ किसी अगरवादी को आते नहीं देखा। डोगरा अफसर ने अपने जवानों को गुरुद्वारे की तलाशी का हुक्म दिया और खुद भी ठक ठक करके चलता गुरुद्वारे में दाखिल हो गया। तहखाने में हमें रात की खामोशी की वजह से सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मालूम होता था कि ये डोगरा कैप्टन या मेजर सूबेदार मेजर पूरी पार्टी लेकर वहाँ आया हुआ था। उनकी आवाज़ें कभी गुरुद्वारे के दाएं जानिब से आतीं, कभी बाएं तरफ से। डोगरा फौजी कमांडर दूर से अपने जवानों को आर्डर देता हुआ आया और उन चारपाइयों के करीब आकर रुक गया जो तहखाने के खुफिया दरवाजे के आगे खड़ी की हुई थीं। उसने पूछा, ये चारपाइयाँ यहाँ क्यों रखी हैं। मंगल सिंह ने कहा, साहब जी बाहर से जो शहरदालू आते हैं ये उनके लिए हैं। डोगरा कमांडर ने बुलंद आवाज से पूछा, वो तुमको उधर कोई अगरवादी मिला के नहीं। दूसरी जानेब से किसी डोगरा फौजी ने जवाब दिया, सर इधर तो कोई नहीं है। डोगरा कमांडर ने चिल्लाकर कहा, तो फिर तुम जांगली उधर क्या करता फिरता है। चलो कठुआ रोड की तरफ, वो ज़रूर उस तरफ से भागने की कोशिश करेंगे। चलो फॉरवर्ड। फौजी जवानों के दौड़ने की आवाज़ें आईं। डोगरा कमांडर ने मंगल सिंह से कहा, तुम सेवादार हो और मेरी बात गौर से सुनो, ये पाकिस्तानी अगरवादी बड़े ख़तरनाक जासूस भी हैं। अगर इस तरफ आएँ तो उन्हें यहाँ छुपने की इजाज़त दे दो और फिर हमें कैंप में ख़बर कर दो। हमारा कैंप गांव में ही है। ट्रक स्टार्ट हो गया, फिर चल पड़ा। जब उसकी आवाज़ काफ़ी दूर चली गई तो चारपाइयाँ हटाकर मंगल सिंह तहखाने में आ गया। कमांडर जहांगीर ने कहा, हमने सारी बातें सुन ली हैं सेवादार जी, और तुम्हें भी मालूम हो गया होगा कि हम एक डोगरा सिपाही को कत्ल करके आए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे हमें पकड़वा दो और चाहे हमें यहाँ से फरार करवा दो। मंगल सिंह हमारे पास ही बैठ गया। उसने माचिस निकालकर मोमबत्ती रोशन कर दी और बोला, सिख सिरदार जिसको दोस्त कह देता है फिर उससे कभी गद्दारी नहीं करता। तुम अगर किसी डोगरे हिंदू फौजी को कत्ल करके आए हो तो यह तुम्हारा अपना मामला है। हमने तुम्हें पनाह दी है तो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वैसे भी हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल कर किसी तरफ भी गए तो फौज तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हें बड़ी सख्त अजीतें दे देकर मार देगी। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि यहाँ पर ही छुपे रहो। सुबह मैं सरदार जी से बात करूँगा, उनसे भी मशवरा कर लेंगे, फिर तुम्हें किसी तरीके से यहाँ से निकाल देंगे। तुमने खाना खाया था कि नहीं। मंगल सिंह हमारे लिए दो चार रोटियाँ और प्याले में दाल लेकर आया। जहांगीर ने कहा, सरदार जी जैसे आप कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। हमने दाल रोटी खाई तो मंगल सिंह सेवादार कहने लगा, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। अगर ख़तरे की कोई बात हुई तो मैं तुम्हें जगा कर किसी दूसरी जगह छुपा दूँगा। वो चला गया। हमने मोमबत्ती बुझा दी। जहांगीर ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है सिकंदर। मैंने जवाब दिया, सर ये सिख सरदार दिल के साफ हैं, इन पर इतबार कर लेना चाहिए। अगर इसकी नीयत ख़राब होती तो वो हमें बड़ी आसानी से डोगरा फौजियों के हवाले कर सकता था। ठीक है, जहांगीर ने कहा, मैं भी इसी तरह सोचता हूँ। अब सो जाते हैं, सुबह सरदार जी से मुलाकात के बाद ही यहाँ से फरार होने का कोई सिलसिला बन सकेगा। हम सो गए। सुबह के वक्त जब गुरुद्वारे में गुरवाणी का कीर्तन हो रहा था तो मंगल सिंह ने आकर हमें जगा दिया और कहने लगा, सरदार जी ने तुम्हें बुलाया है। थोड़ी देर में सरदार जी भी तहखाने में आ गए। एक खुफिया रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सरदार जी ने आते ही बाजू खोल दिए और बड़े पुरजोश अंदाज में बोले, वाह शेर जवानों, रूपलाल डोगरे को मारकर तुमने बड़ा काम किया है। उसने तो बॉडीगार्डों की पूरी बटालियन साथ रखी हुई थी भाई, कमाल कर दिया तुम दोनों ने।
सरदार जी ने हमें बारी बारी गले लगाया और हमारे पास ही दरी पर बैठ गए और कहने लगे, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस मार पर यहाँ आए हुए हो। खैर, तुमने भी अपनी तरफ से अच्छा ही किया। यहाँ किसी का कोई एतबार नहीं है। इंडियन मिलिट्री और पुलिस के जासूस चारों तरफ मौजूद होते हैं। अब सरदार जी से हम अपने मिशन पर पर्दा डालने की पोजीशन में नहीं थे। जहांगीर ने सरदार जी को सारी बात खोलकर बयान कर दी और बता दिया कि कांगड़ा रेजिमेंट के सिपाहियों ने एक गरीब कश्मीरी मुसलमान की बेटी को उस वक्त अगवा करके उसकी बेहुरमती की थी जब वो दुल्हन बनी अपने दुल्हा के साथ ससुराल जा रही थी। उन दरिंदा सिफ्त डोगरा फौजियों ने दुल्हा समेत सारे बरातियों को कत्ल कर दिया था और दुल्हन की मासूम छोटी बहनों को भी छलनी कर डाला था। हम उन दरिंदों से उस जुल्म का बदला लेने के लिए निकले हुए हैं। सिपाही रूपलाल उस पार्टी में भी शामिल था। हमने उसको कत्ल करके कश्मीर की बेइज्जती का बदला चुकाया है। सरदार जी बड़े गौर से जहांगीर की बातें सुन रहे थे और साथ साथ इस तरह सर हिलाते जा रहे थे जैसे कह रहे हों कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन बाकी डोगरे फौजियों को कहाँ ढूंढोगे, वो तो इधर उधर हो गए होंगे। सरदार जी के इस खदशे के जवाब में जहांगीर ने कहा, हम एक एक का पता करके अपने मिशन पर निकले हुए हैं। ये हमारी इज्जत हमारी गैरत का मिशन है। हमने चार पाँच को ठिकाने लगाकर अपनी बेइज्जती का बदला चुका दिया है। सिर्फ दो डोगरे बाकी रह गए हैं। अफसोस इस बात का है कि हम उन कुत्तों को सिर्फ हलाक ही कर सकते हैं। हम तो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ये मौत के किनारे पहुँचें तो हम उन्हें खींच कर वापस ले आएँ और उस वक्त उनके जिस्म के टुकड़े करते रहें जब तक कि मौत भी उन्हें कबूल नहीं करती। सरदार जी ने पूछा, वो जो बाकी के दो डोगरे रहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पर हैं? जहांगीर ने यही मुनासिब समझा कि सरदार जी को सारी बात बता दी जाए। चुनाचे उसने सरदार जी को बता दिया कि उनमें से एक डोगरा सिपाही की अमृतसर छावनी में पोस्टिंग हो गई है, उसका नाम रलिया राम है। दूसरा डोगरा फौजी जलंधर छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वो क्वार्टर गार्ड से मुंसलिक है और उसका नाम सिपाही तुलसी राम है। जब तक कि हम उन दोनों हिंदुओं को हलाक नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे और दूसरा कोई काम भी नहीं करेंगे। सरदार जी बड़े गौर से सुन रहे थे, साथ साथ सर भी हिलाते जा रहे थे। जहांगीर की तरफ देखकर कहने लगे, अमृतसर और जलंधर की फौजी छावनियों में तो बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, तुम कैसे उन लोगों को ठिकाने लगा सकोगे? क्या पंजाब में तुम्हारा कोई अपना आदमी है? उनका मतलब था कि क्या मशरकी पंजाब के किसी शहर में कोई ऐसा मुजाहिद है जो वहाँ खुफिया तौर पर कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा हो? कमांडो जहांगीर ने इस बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की थी। उसने कहा, नहीं सरदार जी, वहाँ अपना कोई ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम जान की बाजी लगाकर उन कातलों तक पहुँच जाएंगे। ये हमसे बचकर नहीं जा सकते। उनकी जिंदगियों के बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। सरदार जी ने दो तीन बार अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर कहने लगे, ओ शेरो, तुम क्यों फिक्र करते हो? बरहमनों कोई हुकूमत को अगर कश्मीर में अपनी फ़ौज भेजकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है तो वो मशरकी पंजाब में सिखों का भी कत्लेआम कर रही है। भिंडरांवाला हमारा शेर लीडर था। तुम्हें मालूम है कि जब इंदिरा गांधी ने श्री दरबार साहब पर अपनी फ़ौज से हमला करके श्री इकाल तख्त को मिलिया मेट करके भिंडरांवाले को शहीद कर दिया था तो श्री दरबार साहब में हिंदू फ़ौज ने कितने सिखों को कत्ल किया था? किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ मालूम है। हिंदू फौजी फायरिंग करते दरबार साहब में घुस गए थे और उन्होंने दरबार साहब के अंदर जितने सिख बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरतें थीं उन सब को भून कर रख दिया था। हमारी कितनी ही सिख बहनें और बच्चियां हिंदू फौजी अगवा करके ले गए थे। और फिर जब हमारे एक शेर दिलेर बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी का सीना गोलियों से छलनी करके श्री दरबार साहब की बेहुरमती और सिखों की बेइज्जती का बदला लिया तो दिल्ली के हिंदू शहर के सिखों पर छुरियाँ कुल्हाड़े लेकर टूट पड़े थे। जो सिख सामने नज़र आया उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, हमारे बच्चों को नेज़ों में परो दिया, हमारी औरतों के पेट फाड़ डाले, सिखों के घरों को आदमियों औरतों समेत सब समेत जलाकर राख बना दिया। कोई एक जुल्म हो तो मैं तुम्हें बताऊं, मगर हमने भी हिंदुओं से इस जुल्म का पूरा पूरा बदला लेने की कसम खाई है। एक ना एक दिन सिखों का अलग मुल्क खालिस्तान बन कर रहेगा। बब्बर खालसा दिल सिखों के नौजवानों की नस्ल के शहीदी जत्थे के हर जवान ने श्री गुरद ग्रंथ साहब की कसम खाकर अहद कर रखा है कि दुश्मन को मारेंगे मर जाएंगे मगर खालिस्तान कायम करके ही रहेंगे। सरदार जी बड़े जज्बाती हो रहे थे। उनका जज्बाती होना हक बजानिब था। इसमें ज़र्रा बराबर भी मुबालगा नहीं था कि हिंदुस्तान की हर हिंदू हुकूमत ने सिखों के हकूक को पमाल किया है।
خالستان تحریک کی آڑ لے کر انہیں چن چن کر قتل کیا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ میں اور کمانڈو جہانگیر سردار جی کی تقریر سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ یہ سن کر ہمیں اطمینان بھی ہوا تھا کہ سردار جی یوں امرتسر اور جلندھر میں دونوں ڈوگرا سپاہیوں رلیا رام اور تلسی کا کھوج لگوانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ سردار جی نے جذباتی انداز میں میرے اور جہانگیر بٹ کے شانوں پر ہاتھ مار کر کہا، شیر جوانوں، تم کشمیر کے شیر مسلمان مجاہد ہو، تم جس بہادری سے بھارتی فوج کا منہ توڑ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ انڈین آرمی کی کوئی بھی رجمنٹ کشمیر آنے کو تیار نہیں ہوتی، مگر فوج میں حکم چلتا ہے۔ ہر بھارتی فوجی کو علم ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کے محاذ پر نہیں جا رہا بلکہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ وہ روانہ ہوتے وقت اپنے ماتا پتا سے اپنے گناہ بخشوا کر چلتا ہے، تمہاری جد و جہد آزادی میں ہم سکھ تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہارا مشن امرتسر اور جلندھر کی چھاؤنیوں میں متعین دونوں ڈوگرا سپاہیوں کو قتل کر کے اپنی بہو بیٹیوں کی بےعزتی کا بدلہ ہی لینا ہے تو میں امرتسر میں تمہیں ایک آدمی کے پاس بھجوا دوں گا جو اس مشن میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ وہ آدمی کون ہے اور کہاں ملے گا؟ جہانگیر بٹ نے قدرے بےتاب ہو کر پوچھا۔ اس کی بےتابی اپنی جگہ پر بالکل جائز تھی۔ سردار جی بولے، وہ برہمن راج اور سکھوں کے قاتل، ہندوؤں کا دشمن اور ببر خالصہ دل کے شہیدی جتھے کا کمانڈر ببر سنگھ بھنڈراں والا ہے۔ کیا وہ بھنڈراں والے کا رشتہ دار ہے کوئی؟ جہانگیر کے سوال پر سردار جی نے کہا، سردار ببر سنگھ بھنڈراں والے کی بہن امرجیت کور کا بیٹا ہے۔ ببر سنگھ کے پتا جی اور ماتا امرجیت کور کے اس کے تینوں بیٹوں اور دو لڑکوں سمیت ہندوؤں نے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی میں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑوں کو گھر کے ساتھ ہی جلا ڈالا تھا۔ ببر سنگھ اس وقت لڑکا تھا۔ وہ اپنی ماتا امرجیت کور اور بہن بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھ کر روتا ہوا چھت پر بھاگ گیا تھا۔ دو ہندو اس کے پیچھے دوڑے مگر ببر سنگھ نے ایک مسلمان کے گھر میں چھلانگ لگا دی۔ اس مسلمان نے ببر سنگھ کو اپنے بھائی کے گھر میں چھپا دیا اور یوں ببر سنگھ کی جان بچ گئی۔ تم نے ڈوگرا ہندو فوجیوں سے کشمیری بہو بیٹیوں کی بےعزتی کا انتقام لینا ہے اور ببر سنگھ نے پوری ہندو قوم سے اپنے ماتا پتا اور بہن بھائیوں کے قتل کا بدلہ چکانا ہے، اور ہندو سامراج نے ہمارے گلے میں غلامی کا جو توق ڈال رکھا ہے اسے اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور ہندوؤں سے اپنی آزادی اور خود مختاری کا حق بھی چھیننا ہے۔ تم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہو۔ تمہیں ببر سنگھ سے، ہر ببر سنگھ کو تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ میں نے سردار جی سے پوچھا کہ ببر سنگھ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ تمہاری عمر کا گبھرو جوان ہے، وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ سردار جی بولے، دلی گورنمنٹ نے ببر سنگھ کے سر کی قیمت 1,00,000 روپے ڈال رکھی ہے، چنانچہ ببر سنگھ روپوش ہے۔ خود مجھے بھی نہیں پتا کہ اس وقت وہ کون سے شہر میں ہوگا اور کہاں ہوگا۔ اس کے سکھ سردار، کمانڈو، محافظ ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ ویسے میں تمہیں کل تک معلوم کروا دوں گا کہ ببر سنگھ کس شہر میں ہے۔ سارا دن ہم نے گردوارے کے تہہ خانے میں گزار دیا۔ شام کے وقت سیوہ دار منگل سنگھ نے آ کر بتایا کہ فوج کے سپاہی تو دنیال گاؤں سے چلے گئے ہیں، مگر خفیہ پولیس کے آدمی چاروں طرف مختلف بھیس بدل کر چل پھر رہے ہیں۔ ان میں سے خفیہ پولیس کا ایک آدمی کلوکے سکھ یاتری کے بھیس میں ہمارے گردوارے میں موجود ہے۔ تو پھر ہم یہاں سے کیسے نکل سکیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس کا چہرہ ہمیں دکھا دو، ہم اسے بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ منگل سنگھ نے جہانگیر بٹ کے اس مشورے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا وقت آ گیا تو ہم خود اسے ٹھکانے لگا دیں گے، تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ منگل سنگھ نے اس کے بعد ہم سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم جن ڈوگروں کا قتل کرنے جا رہے ہو کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ جہانگیر نے کہا، ان کی تصویریں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ہم انہیں فوراً پہچان لیں گے۔ ویسے بھی دشمن جس بھیس میں ہو کشمیری مجاہد اسے پہچان لیتے ہیں۔ اشکے بھائی اشکے، بڑے شیر دلیر ہو، شابش بھائی شابش۔ دوسری رات کوئی 10 بج رہے تھے، ہم کو منگل سنگھ کھانا وغیرہ دے کر جا چکا تھا۔ ہم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے سردار جی کی باتوں پر غور کر رہے تھے کہ سردار جی آ گئے۔ ان کے ساتھ سیوہ دار منگل سنگھ بھی تھا اور کہنے لگے، ببر سنگھ کا صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ وہ امرتسر میں ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ امرتسر میں کس جگہ پر ہے۔ جہانگیر نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ شری دربار صاحب امرتسر میں چھپا ہوا ہو۔ سردار جی بولے، سردار بھنڈراں والے کی شہیدی کے بعد حکومت نے وہاں خفیہ پولیس کو مستقل طور پر لگا دیا ہے، جو کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ وہ کس بھیس میں وہاں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے خالستان تحریک اور ببر خالصہ دل کے آدمی خاص طور پر وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں امرتسر میں تمہیں ایک ایسے سردار کے پاس بھجوا رہا ہوں جو تمہیں جیسے بھی ہوگا ببر سنگھ سے ضرور ملوا دے گا۔
इसके बाद सरदार जी ने अपनी सदरी की अंदरूनी जेब में से एक बंद लिफाफा निकाल कर जहांगीर को दिया और कहा, ये लिफाफा बब्बर सिंह को खुद अपने हाथ से दे देना और कहना कि धनियाल के सरदार जौत सिंह ने दिया है। खबरदार, ये लिफाफा सिवाय बब्बर सिंह के और किसी को मत देना और ना ही दिखाना। ये लो। जहांगीर ने लिफाफा जो बंद था सरदार जी से लेकर जेब में रख लिया। अब तुम आराम करो, मंगल सिंह मुँह अंधेरे आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। मंगल सिंह तुम्हारे साथ अमृतसर उस सरदार के पास ले जाएगा जो तुम्हें बब्बर सिंह से मिला देगा। दोनों सरदार वहाँ से चले गए। हमें नींद आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी। हर लम्हा ये धड़का लगा हुआ था कि गुरुद्वारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो आदमी सिख यात्री के भेष में मौजूद है, कहीं उसे हमारा पता न चल गया हो और सुबह होने से पहले ही हमें पकड़वा न दे। बाकी की रात कुछ सोते कुछ जागते आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। अभी पाँव नहीं फटी थी कि तहखाने के रोशनदान पर अंधेरा छाया हुआ था कि बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर चारपाइयां हटाने की आवाज़ आई और दूसरे लम्हे सेवादार मंगल सिंह की आवाज़ आई, क्यों भाई शेर? शेरो जाग रहे हो कि सो रहे हो? तहखाने में अंधेरा था। मैं और जहांगीर जल्दी से उठकर बैठ गए। मैंने कहा, आ जाओ सरदार जी, हम जाग रहे हैं। मंगल सिंह बोला, तो फिर चल पड़ो, इंतज़ार किस बात का है? उस वक्त मैदान साफ है, आ जाओ, मैं बहर हूँ। हमने जल्दी जल्दी अपना लिबास ठीक किया, पिस्तौल वगैरह कमीज़ों के अंदर छुपाए और तहखाने से बहर निकल आए। सेवादार मंगल सिंह दीवार के साथ लाकर खड़ा था। सरगोशी में बोला, मेरे पीछे पीछे चलते आओ और आवाज़ हरगिज़ ना मत निकालना। सेवादार मंगल सिंह हमें एक तंग रास्ते से निकाल कर ले गया। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अभी सुबह होने में 1.5-2 घंटे बाकी होंगे। हम गुरुद्वारे के पीछे एक ऊंची जगह पर निकल आए थे। यहाँ बहुत से दरख्त थे, उनके दरमियान पानी का एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। मंगल सिंह तेज़ तेज़ कदमों से हमारे आगे आगे चल रहा था। यहाँ कहीं कोई मोड़ आता तो रुक जाता, जब हम गुजर जाते तो आगे चलता। एक पहाड़ी ढलान आ गई, हम झाड़ियों में से गुजरने लगे। नीचे अंधेरे में खुली जगह नज़र आ रही थी। मंगल सिंह ने हमें वहाँ बैठने का इशारा किया और खुद चला गया, अंधेरे में गायब हो गया। कोई 2 मिनट बाद वापस आकर हमारे पास बैठ गया और धीमी आवाज़ में कहने लगा, मैं देख आया हूँ, रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें आम रास्ता छोड़कर पहाड़ी टीलों, खड्डों, नालों और खाइयों में से गुजर कर जाना पड़ेगा। अगरचे इस तरफ मिलिट्री का कोई कैंप वगैरह नहीं है, लेकिन ख़तरा ज़रूर मौजूद है। इसलिए जब तक मैं ना बोलूँ तुम कोई बात ना करना, आ जाओ, हम चल पड़े। पहले एक टीले की चढ़ाई आई, फिर दूसरे टीले के साथ साथ चलते तीसरे टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। वहाँ से एक गहरी खड्ड में एक बरसाती नाला बह रहा था। इसी तरह हम खामोशी से रास्ता तय करते चले गए। मंगल सिंह चुप था, इसलिए हम भी चुप थे। आसमान पर सुबह का नीला नीला नूर नमूदार होने लगा था। खुदा जाने मंगल सिंह हमें किन किन पहाड़ी रास्तों से लेकर जा रहा था। किसी वक्त ऐसे लगता था कि हम रास्ता भूल गए हैं और 2 पहाड़ियों के दरमियान ही घूम रहे हैं। आखिर एक जगह पहुंचकर मंगल सिंह बोल पड़ा और कहने लगा, जवानों, तुम आपस में कोई बात क्यों नहीं करते? जहांगीर ने कहा, सरदार जी, आपने खुद ही तो कहा था कि जब तक मैं ना बोलूं तुम भी मत बोलना, इसलिए हम चुप थे। मंगल सिंह बोला, यार मैंने तो तुम्हें यूं ही कह दिया था, बेशक बोलो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पत्थर भी जासूस होते हैं। जहांगीर ने पूछा, हम किस तरफ जा रहे हैं और अभी कितनी दूर चलना होगा? सेवादार मंगल सिंह बैठ गया, हम भी बैठ गए। वो कहने लगा, 3-4 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। हम कठुआ के करीब वाले एक गांव के गुरुद्वारे में जा रहे हैं। थोड़ी देर में सुबह हो गई। हम कठुआ तहसील के गुरुद्वारे में पहुंचे तो दिन का एक पहर गुजर चुका था। यहाँ एक बूढ़े सरदार साहब से मंगल सिंह ने हमें मिलवाया। सरदार साहब की उम्र 50 के करीब होगी। खूब तनोमंद सिख थे। उन्होंने हमें एक कोठड़ी में बिठाया। हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद सरदार साहब ने मंगल सिंह से कहा, सज्जन सिंह रात के वक्त ट्रक लेकर आएगा, तब तक तुम इन लोगों के पास ही रहो। सज्जन दुश्मन का कोई पता नहीं होता, बस उन्हें ज़्यादा बहर ना निकलने देना। हमने सारा दिन उसी कोठरी में गुजार दिया। रात को मंगल सिंह हमारे लिए खाना ले आया। हमने खाना खाया। वो कहने लगा, सज्जन सिंह कठुआ से फल फ्रूट लेकर अमृतसर जाता है, वो अपना ही आदमी है। रात ज़रा गहरी हुई तो मंगल सिंह आकर बोला, आ जाओ, ट्रक के आने का टाइम हो गया है। कोठड़ी के बाहर एक तरफ अंधेरे में सरदार साहब मौजूद थे। हम एक जगह दरख्तों में आकर बैठ गए। मंगल सिंह हमारे पास ही रहा। सरदार साहब आगे चले गए। फिर दूर से ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। पहाड़ी सड़क पर ट्रक का इंजन बड़ा ज़ोर लगा रहा था।
जिसकी आवाज़ रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। दूर दरख्तों में ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनियाँ नज़र आ रही थी। मंगल सिंह बोला, ये सर्जन सिंह का ही ट्रक है। ट्रक एक जगह झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान आकर रुक गया। इंजन बंद हो गया था। 6-7 मिनट के बाद सरदार साहब हमारे पास आए और कहा, मैंने सर्जन सिंह को सब कुछ समझा दिया है। मंगल सिंह, तुम साथ जा रहे हो क्या? मंगल सिंह ने कहा, हाँ जी, मैं अमृतसर तक इनके साथ जाऊंगा। ठीक है, रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई तो घबराना नहीं, सर्जन सिंह के पास असलहा वगैरह मौजूद है। हम दरख्तों के नीचे से उठकर झाड़ियों में से गुजरते हुए ट्रक के पास आ गए, जो छोटी सी पहाड़ी सड़क के किनारे खड़ा था। एक ड्राइवर हमारे पास आ गया, उसने मंगल सिंह को वह गुरुजी का खालसा कहा और फिर हमें करीब से घूरा। मंगल सिंह बोला, उन्हें बड़ा ज़रूरी खुफिया तौर पर अमृतसर पहुंचाना है। सिख ड्राइवर सर्जन सिंह ने फौरन कहा, गाली कोई नहीं जनाब, इन्हें फ्रूट की पेटियों में बिठा दो, ऊपर तरपाल डाल देना। तुम मंगल सिंह मेरे साथ बैठ जाना, आज मैं अकेला ही हूँ, कलीनरा अमृतसर गया हुआ है। चलो बैठ जाओ, देर ना करो। ट्रक में सेब की पेटियाँ लदी हुई थीं, क्योंकि उनमें से सेबों की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मंगल सिंह ने हमें ट्रक के पीछे पेटियों के दरमियान बिठाकर ऊपर तरपाल डाल दी। तरपाल हमारे सर से कोई 4 फुट ऊंची थी, जिस वजह से ताज़ा हवा बंद नहीं हुई थी। मंगल सिंह ट्रक की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। सारी रात ट्रक का सफ़र जारी रहा। रास्ते में सिर्फ एक जगह पुलिस के संतरी खड़े थे, जो सर्जन सिंह के ड्राइवर के जानने वाले थे। किसी ने ट्रक की तलाशी ना ली और ट्रक मशरकी पंजाब की हदूद में दाखिल हो गया। दिन चढ़ आया था जब हम अमृतसर में दाखिल हुए। मैंने ये शहर पहले कभी नहीं देखा था। यह सिखों के लिए बड़ा मुतबर्रक शहर था। यहाँ सिखों का मुकद्दस गुरुद्वारा श्री दरबार साहब वाकया था। ट्रक अमृतसर गुरदासपुर रोड पर से उतरकर अमृतसर से कलकत्ते जाने वाली GT रोड पर आ गया था। एक जगह नहर का पुल आया तो ट्रक दाएं जाने मोड़कर नहर के किनारे दरख्तों में रुक गया। हमने तरपाल ऊपर से उठा दी थी। मंगल सिंह ने लकड़ी की पेटी पर हाथ मारकर कहा, उतर आओ जवानों। हम ट्रक से उतर पड़े। दिन की रोशनी में नहर का किनारा दूर तक नज़र आ रहा था। एक ऊपर तक भरा हुआ ट्रक नहर के पुल के ऊपर से गुजर गया। मंगल सिंह हमें ट्रक की ओट में लेकर खड़ा था। ड्राइवर ट्रक के रेडिएटर में नहर का ठंडा पानी डाल रहा था। मंगल सिंह कहने लगा, मैं आगे आगे चलूँगा, तुम थोड़ा फासला डालकर मेरे पीछे पीछे चलना। हम शहर के बाज़ारों में से गुजरने लगे। बाज़ारों में रक्शे, साइकिल और दूसरी गाड़ियां आ जा रही थीं। पैदल चलने वालों में सिखों की तादाद ज़्यादा थी। हिंदू भी चलते फिरते और दुकानों पर बैठे नज़र आ रहे थे। मंगल सिंह हमसे 6 कदम आगे चल रहा था। हम डोगरा हिंदुओं के लिबास में थे और बड़ी मस्कीन सूरत बनाए चल रहे थे। बड़े बाज़ारों से गुजरने के बाद हम एक तंग बाज़ार में आ गए। यहाँ एक जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी के मुजस्मे चबूतरे पर लगे हुए थे। मंगल सिंह गुंजान बाज़ार में कुछ दूर चलने के बाद एक तंग गली में मुड़ गया। यहाँ दुकान कोई नहीं थी। मकान के बाहर चबूतरे बने हुए थे, जो ज़मीन से 3-3 फुट ऊंचे थे। इन चबूतरों पर कहीं कहीं बूढ़ी औरतें बैठी बातें कर रही थीं। मोड़ घूमकर हम एक दूसरी गली में दाखिल हो गए। ये गली खाली खाली थी। मंगल सिंह एक मकान के सामने ठहर गया। हम भी रुक गए। मंगल सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सिख ने खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। मंगल सिंह को देखकर वो बोला, आ रहा हूँ। फिर दरवाज़ा खुला और मंगल सिंह हमें साथ लेकर मकान में दाखिल हो गया। ये नीम रोशन तंग सा मकान था। देवड़ी के साथ ही बैठक थी। ये सरदार साहब ने दरवाज़ा खोला था, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। जवान था और सर के बालों को उसने नीले रुमाल में कस कर बांधा हुआ था। उसने हमें बैठक में बिठा दिया। मंगल सिंह ने जेब से सरदार जी का ख़त निकाल कर उसे देते हुए कहा, धनियाल से सरदार जी ने यह ख़त दिया है, इसे पढ़ लो, सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी।